फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा DIY हेयर मास्क, जो कि आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी मेरे मेहंदी वाले वीडियो पर। तो मैं मेरे हेयर के लिए क्या अप्लाई करती हूँ, आज का वीडियो वही होने वाला है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा आज का वीडियो। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बना लिया है। मेरे लंबे घने बालों का राज, मेरा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस DIY हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद आपके हेयर लॉन्ग तो होंगे, बट लॉन्ग तो होंगे प्लस थिक होंगे, नेचुरल ग्लो आएगा इनमें, चमकदार बनेंगे और हमारे जो हमारे स्कैल्प का जो ग्रोथ रुक गया है प्लस वो ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही मज़ेदार का ये वीडियो होने वाला है। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और ये DIY हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार अप्लाई करके देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि हाँ काव्या मैम, आपने जो बताया था वो सही बताया था। तो चलिए, ये DIY हेयर मास्क मैंने कैसे बनाया है वो देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा सीक्रेट DIY हेयर मास्क के लिए ये है सिकाकाई पाउडर, जो कि मैंने एक स्पून भर के तो ऑलरेडी पहले डाल दिया है, फिर मैं दोबारा से एक स्पून भर के लूँगी। ये देखिए, ये है सिकाकाई पाउडर। तो मेरे हेयर के लेंथ के हिसाब से मैं ये यूज करती हूँ। ये है रीठा पाउडर। तो रीठा हमारे हेयर के लिए इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो बहुत अमेजिंग है। तो ये बस हमें एक चम्मच लेनी है और आपने अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से ही लेना है। ये हिबिस्कस पाउडर है, गुड़हल का जो फूल आता है उसी का पाउडर है ये। इससे हमारे जो हेयर है उसमें नेचुरल कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। और गुड़हल के फूल भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और आप नेचुरल चीज़ें डाल के नेचुरल चीज़ों से हेयर मास्क बनाइए और लगाइए एक बार ही, आप लोगों को रिजल्ट अमेजिंग दिखेगा इसका। मुझे तो काफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं ये नूपुर की मेहंदी यूज कर रही हूँ। वैसे आप मेहंदी अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालना है, बट मेरे पास थी तो मैंने सोचा चलो हेयर मास्क है तो इसमें थोड़ी सी 3-4 टीस्पून टेबलस्पून डाल देते हैं, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे पास चुकंदर का जूस पड़ा था तो वो भी मैंने डाल दिया। ये जस्ट हमारे हेयर को कलर देगा। और दही 2 चम्मच, ये हमारे हेयर में कंडीशनर का काम करता है। दही जो है ना वो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, कंडीशनर का काम करता है, हमें अलग से कंडीशनर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ब्राउन हेयर पसंद है तो मैंने ना 1.5 चम्मच यहाँ पर नेस्ले की जो कॉफ़ी पाउडर होती है ना वो यूज करी है, क्योंकि मुझे नेचुरल ग्लो तो चाहिए बट साथ में कलर भी चाहिए। तो आप यूज कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए ब्राउन हेयर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और बस सिंपल पानी के साथ में यहाँ पर ये घोल तैयार कर रही हूँ। और इसमें अंडा भी ज़रूर डालना है, तो अंडा मैं लास्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि अंडा जो है ना वो उसकी स्मेल थोड़ी सी मुझे ये लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे इसे रखना होता है ढक के तभी मैं इसके अंदर अंडा मिलाती हूँ। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और इस घोल को बनाते जाना है। और इसके अंदर जो आंवला पाउडर है ना उसकी भी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग आती है, इस वजह से हमें कॉफ़ी पाउडर का यूज करना है, ताकि कॉफ़ी पाउडर का जो स्मेल है ना, सुगंध, वो आंवला का और जो रीठा का खट्टा खट्टा स्मेल है ना वो दबा देती है। दही का जो स्मेल है उसे दब जाता है, हमारी जो कॉफ़ी पाउडर है उससे वो स्मेल दब जाती है। और अंडे की भी बदबू नहीं आती। वैसे अंडे की बदबू किसी किसी को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। तो अंडे का जो वाइट एग, मतलब ये जो एग होता है ना, ये येल्लो वाला पार्ट जो है ना वो हमें नहीं डालना, सिर्फ वाइट पार्ट डालना है, वाइट एग। तो आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से निकाल रही हूँ, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करके हमें निकाल लेना है और बस वाइट पार्ट का हमें यूज करना है, येल्लो पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं डालना। बिकॉज़ येल्लो पार्ट अच्छा होता है वैसे हेयर के लिए, बट इसके ज़्यादा बदबू आती है और मुझे नहीं अच्छा लगता फिर वो।
दिन भर बदबू के साथ रहो और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद येलो पार्ट, तो मैंने उसे निकाल के एक बाजू रख दिया था। ये आप यूज कर सकते हो ऑमलेट बनाने में, इसे फेंकना नहीं है आपको। बस इसके बाद मैंने ये फेंट लिया था और इससे हमारे हेयर में चमक आएगी, नेचुरल ग्लो आएगा और एक तरह से मतलब आप बोलोगे ना कि हमारे जो हेयर है ना वो बिना धोए सिर्फ मेहंदी मार्क्स के बाद हम अगर हेयर वॉश करेंगे ना तो हमारे हेयर में कंडीशनर भी हो जाएगा अंडे के साथ, और जो दही हमने मिलाया है उसके साथ हमारे हेयर जो है ना वो कंडीशनर हो जाते हैं। तो बस ये मैंने अच्छे से मिला लिया है, इसे 3-4 घंटे के लिए ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। और ये हेयर मास्क 2 घंटे तक अपने हेयर पर अप्लाई कीजिए, फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन शैम्पू कर लीजिए तो आपके हेयर मस्त चमकने लग जाएंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।